वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह सिख संगतां नूं मैं एक वीडियो राही संबोधन किया सी, जिते कुछ संगतां दा शंका है कि शायद वो जिहड़ी वीडियो है वो पुलिस की कस्टडी 'च बनी है, क्योंकि उस वीडियो 'च मैं जी बुरे बारे देख रहा कि। सो मेरी एक संगतां नूं अपील है कि देखो, पहले दी मेरी आदत नहीं भी मैं बैठ के सामने सामने वीडियो बनावा। तुसीं पुरानी वीडियो देखोगे, उहदे 'च भी मैं कैमरे वाल बहुता वेखदा नहीं हुंदा। सो पहली गल, जिहड़ी मुख मुद्दे वाली गल आपां करनी है, एक तो आप हर चीज़ में कॉन्सपिरेसी नहीं समझना। सतगुरु सच्चे पातशाह की ओट सदका आप गुरु की खेड़ में वड्या समझिए, यह नहीं भी आप मतलब हिंदुस्तान की सरकार या पुलिस में वड्या समझने लग पीए। कलगीधर पातशाह की जी करामात वड्या समझिए, एडे किरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो कढ़िया है तो वह किसी मकसद वास्ते कढ़िया है। जिन्होंने ये लगता है भी मैं कोई भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों को छड्ड गया, यह गल भुलेखा कोई अपने मन च ना रखे। देखो ना तो मैं मरण तो डरा, मरण लिखाए मंडल में आए, इस बाणी के जोड़े बचन ने इतने पूरा पहरा दे रहे हैं। जिदन संसार से आ गए उदन मौत का जोड़ा राह वो शुरू हो जाता है, तो कोई बच नहीं सकता। पर मेरी संगतों को एक अपील है, मैं जो अज बहर है सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो मैंने बहर रख्या है इस घेरे तो, वह अर्थ यह है कि मैं अपने साथियों लिए, कौम के नौजवानों लिए, कौम के हितों की कुछ कर सकता, तो छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवांगे और इस संगतां दे विच भी विचरांगे। इदां दी कोई गल नहीं, मैं उन्हां चों नहीं हैगा भी जिहड़ा कहणगे मुल्क छड जा जी, मुल्क छड के बाहर चल गया वह हुण बाहरों जा के लोगों नूं वीडियो पा के मैसेज देऊगा, इदां दी गल नहीं। हाँ, जिहड़े बगावत दे दिन हुंदे आ उहनूं कटदिआं बहुत कुछ सानूं झलणा पैंदा, बिखड़े पैंडे ते तुरना पैंदा, मीलां मील भी वी बाई बाई मील सफ़र, दिन हर दिन पैदल करना, ये कोई मतलब खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। सो अठी पैर प्रशादा छकना, जे कि मिल गया नहीं तो फिर जल पानी छक के गुजारा कर लेना। ये जिहड़े दिन ने बगावत के कटने औखे ने, पर मैं संगतों को एक अपील करना कि आपने चढ़ दी कला च रहना। चढ़ दी कला च रहने का अर्थ यह हों कि असी जदों इस राह पर तुरीए, इस मार्ग पर तुरीए तो सानूं पहले ही पता हों कि आप जिहड़े राह पर तुरे हैं कंडे वाला राह है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब का किला छड्डिया है और किला छड्ड के माछीवाड़े के जंगलों के गए ने, पैर कन्या लहूलुहान हो गए। सो वो रास्ते जिहड़े है धर्म की नगरी के उत्ते तैयार करने पैंदे है। मेरी जिहड़ी संगतां नूं अपील है कि मैं एक कॉल दित्ती सरबत खालसे वास्ते, मैं जथेदार साहब नूं तां कहा कि जथेदार साहब ने एक सद्दा दित्ता सी मीटिंग करके कि समूह जथेबंदियां पहुंचण, जथेबंदियां पहुंचियां उत्थे, जिन्होंने हमायत च कीता गल उन्हां दा वी धन्नवाद, जिन्हां विरोध च कीती उन्हां दा वी धन्नवाद। मैं किसी के विरोध च नहीं गल करनी, कोई भी यह समा नहीं किसी का विरोध जन जी नहीं करता। कौम ते भीड़ आण बड़ पई होवे ते सानू एक दूजे दे हक च खड़ाउणा चाहिए। जथेदार साहब ने एक जिहड़ी उदम कीता वह चंगा है, उस च कुछ नूं नहीं शामिल किया गया, मैनूं लगता भी सारे लिए खुला सद्दा होना चाहिए सी, पर जो हो गया सत वचन है। हुण उस तों बाद च जथेदार साहब ने कहा असीं छोटियां वीरां कढांगे। देखो वीर शब्द जदों असीं पंजाब आण के इस पुरातन शब्द नूं रिवाइव किया, इहदा अर्थ है वीर कत्तणी, कत्त के भाव इस पासे नूं तुर लैणा, ते फिर किसे रोक की परवाह नहीं करनी। जदों वीर तुर पैंदी है वह किसे को रोक नहीं सकती। जथेदार साहब जी, जे वीर कढ़णी है तो मेरी एक बेनती है, ये जो तुम प्रवान करो तो चंगी गल, क्योंकि तुहाडी भी प्रीख्या है, साडी प्रीख्या जो असीं लंघ रहे हैं, पर तुहाडी भी यह प्रीख्या है भी जथेदार के अहुदे ते जो जथेदार साहब के अहुदे ते हुंदिआं तुहाडी यह प्रीख्या है भी तुसीं अज कौम के लिए कितना डट के हक च खड़ सकते जो। सो जे तुसीं वहीर कढ़नी है तो तुहानूं ये वहीर जिहड़ी है इस तरीके नाल कढ़नी चाहीदी। अकाल तख्त साहब तो शुरू हो के कुछ दिनों के वहीर दमदमा साहब पहुँचे विसाखी, तो उत्थे सरबत खालसा हो गए। तो मैं ये कदे भी नहीं कहा भी वहीर नहीं कढ़नी चाहिए, मैं ये कहा भी वहीर कढ़नी है, पर जी पिंडों छोटिया वहीर लोगों को जागरूक करना एक खाना पूर्ति है। लोग पूरे जागरूक ने और लोगों को होर जागरूक करने की लड़ नहीं, सगों संगतों को मोबलाइज करने की लड़ है, संगतों को इकट्ठे करने की लड़ है, उन्होंने हुकूमत का पै कढ़ने की लड़ है। सो अज सू लड़ है असी इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर कौम लिए खड़ीए, तो जिन्होंने ए लगता कोई नहीं इस धरती पर ही, इस धरती का ही अपना लहू डोलना। सो इस करके गल की आप बवा छड़ दीए कि मैं कितने भगौड़ा हो जाऊँगा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्नी बरकत, इन्नी कृपा, इन्नी रहमत मेरे ते की है कि मैं सुपने के भी भगौड़ा नहीं होना सोच सकता। कई ने कहा उन्हें केस कतल करा दे होने, ये सारिया गल् जो बेबुनियाद ने। केस कतल कराने तो पहले जो सिर का खोपड़ा असं लवा सकते हैं, केस कतल कराने बारे सोच भी नहीं सकते। सो मेरी संगतों को अपील है, मेरी होर ना सारे अपील है भी किसी अगे हाथ जोड़ के तरले नहीं करने, ठीक है। संगतों को संबोधन किया मैं पहली वीडियो, इस करके मैं संगतों को संबोधन करने निम्रता, तो मैं वैसे नीवी पा के गल करता हूं। जो हुकूमत को संबोधन मैं हूँ कर दिना भी, हुकूमत तो ना मैं कल डरता सी ना अज डरदा, हुकूमत ने जो करना कर ले। हाँ, ये गल है गिरफ्तारी तो मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी लिए मैं कोई शर्त नहीं रखिया। जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही मैं गिरफ्तारी बारे कोई गल ही नहीं की, जिहड़ियां गल्लां कीतियां जा रही भी अमृतपाल सिंह ने तीन शर्त रख दित्तियां गिरफ्तारी दियां, भी थाने जी उहदे नाल कुटमार नहीं की, जब मैं कहना जिहड़ी कुटमार करनी जिहने कर ले, जिहड़ा तशद्दुद किसे करके वेखना करके वेख लवे, ना तशद्दुद तो डरदे हां, ना बंद बंद कट्टण तो डरदे हां। सो इस करके मेरी संगतां नूं अपील है किसी भी गुमराह को प्रचार च नहीं आना, मैं चढ़ती कलां च अज की तरीक तक मैं चढ़ती कलां दे विच आं,
और अज तो बाद सतगुर के हाथ है सारा कुछ। जे सतगुर ने इनिया संकटों च राखी की है तो अगे भी करता रहेगा। महाराज वो घर च किसी का घाटा नहीं, मेरी ओट उस पर है, मेरी ओट दुनियावी ना तो अदालतों पर है ना किसी होर गल पर है, मेरी ओट सतगुर सच्चे पातशाह की कचहरी पर है। उन्हें इंसाफ मेरे नाल करना है। संगतान को मेरी अपील है भी तुम दृढ़ रहना, तुम ढेंदी कला च नहीं जाना, ना ढेंदी कला वाले कोई गल करनी है। और मेरे परिवार को मेरे को अपील है भी तुम्हें भी कोई ढेंदी कला वाली गल नहीं करनी, एवं नहीं हाथ जोड़ के कही जाना कि देखो जी साथ दो, सारी संगत साथ दे रही है। कोई नहीं, जो कोई नहीं भी दिंदा इस खत को सच्चे पातशाह का पेंडा है। इस मार्ग से चलते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जितों आनंदपुर साहब का किला छड़ते हैं। तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे भेड़ ले सी, लोगों ने कहता सी अपने पत्त मरवा गए, हम साढ़े मरवाण आ गए हैं। सो मैंने ऐ लगता भी आपको संगत का साथ जोड़ा है वो संगत ने आप ही दे देना है। आप चढ़ती कला च रहिए, सतगुरु का भाणा मनी, ये भाणा मनने ही सारा कुछ होना है। जो भाणे तो उल्ट जाके गल करेंगे वो होनी भी नहीं गई, सो भाणे च रह के सारा कुछ होना है। सो इन बेनती है सरबत खालसे की काल जथेदार साहब देन, जे नहीं देंगे तो उन्होंने प्रीख्या की घड़ी है कि वो कौम लिए की कर ली संजीदा ने, की नहीं कर ली संजीदा ने। उन्होंने उत्ते एक इल्जाम लगता भी परिवारवाद की राजनीति करते हैं, ये उत्तों ही मुक्त होने का समय है। सो अज आप बध चढ़ के जरा सरबत खालसे की काल के हिस्सा पाइए। संगतों को मेरी अपील है भी तुम संगती रूप से पिंड अनाउंसमेंटा करो कि विसाखी के उत्ते दमवा साहब सरबत खालसा सद्या जाए। इन बेनती है जी। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतह।